Okay, this was your test. I guess most of you have done the first question because we have discussed this question in a class. There are two. Yes. You have to tell the formula, and here you have to tell the oxidation number and the percentage. So by this plus two sign, you can quickly get that copper having plus two valency, plus two state. So oxygen having minus two state. So that's why the formula is CuO. So formula is CuO because both having plus two and minus two valency. So it will be cancel out. Clear? Next is Cu2O. Here it is showing that this two is from oxygen. This two is from oxygen. And oxygen having nothing under it, so that means copper having one valency. So that's why plus one is the oxidation state. How you can calculate the percentage? It's very simple. Copper's atomic number, sorry, not atomic mass, AR of copper. So here are two coppers, so 2AR, copper having atomic number, that is atomic mass, that is copper having atomic mass. Who is going to tell me? May 64. Check it from your periodic table. Have you checked it? Okay. Yes, means 64. Okay, so 64 multiply with the 2, division में आपका Cu2O दोनों का आ जाएगा, ठीक है? Copper 2 का भी आ जाएगा, यानी कि 2 64 plus oxygen का 16 multiply by 100. In this way you can calculate the percentage. Percentage आपकी answer आएगा percentage का 88.9%. It's very easy. एक मिनट में ये क्वेश्चन हो सकता है if your concept is clear. Next आइए. Percentage आपने कैलकुलेट करनी थी, या आपने जो टेबल में तीनों चीजें थी ये आपने यहाँ पर आंसर्स मेंशन करने हैं, ठीक है? इन लाइंस पर. यहाँ पर आप लिखेंगे Cu और यहाँ पर आप लिखेंगे plus one और यहाँ पूरी कैलकुलेशन शो करेंगे और उसके बाद आप अपनी परसेंटेज शो करेंगे कि इतने परसेंट आएगा. नेक्स्ट आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर. आपको कॉपर आयन का स्ट्रक्चर बता दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि सल्फाइड आयन का बताइए, क्योंकि कॉपर अपने टू इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और सल्फाइड आयन वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है. सो हम जानते हैं सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वी नो दिस. सल्फाइड आयन इज बेसिकली द आयन ऑफ सल्फर. सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, कॉपर ने टू इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो ये सल्फर वो टू इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा बिकॉज इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट नीड्स टू इलेक्ट्रॉन. इसे दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इस पर आ जाएगा 2 माइनस साइन, 2 माइनस चार्ज आ जाएगा. तो आपने यहाँ पर ये आयन ड्रॉ करना है. इट्स क्लियर? नेक्स्ट. यस. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, इट्स वेरी इजी. ये आपका इम्प्रिकल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है. दो ऑक्साइड दिए हुए हैं, ऑक्साइड वन और ऑक्साइड टू. नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है ये, और ये ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है. ऑक्साइड टू के लिए नाइट्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास, दोनों के इम्प्रिकल फॉर्मूलाज कैलकुलेट करना है. तो सिंपल है, आप अगर पहले ऑक्साइड वन के लिए कैलकुलेट कर लें, ठीक है, ऑक्साइड वन के लिए कैलकुलेट कीजिए, एलिमेंट लिख लीजिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है. सबसे पहले तो इनका मास देख लें क्या गिवन है. मास नाइट्रोजन का गिवन है 0.35, ऑक्सीजन का गिवन है 0.78, ठीक है. उसके बाद आप इनके एटॉमिक मासेस देख लें. नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16. अब इनके मोल्स यानी कि ग्राम एटम्स कैलकुलेट कर लें. तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. तो इसे आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.0250, ठीक है. उसी तरह आप ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर लें मोल्स. मोल कैसे होते हैं? मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास.
तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0488। लास्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। अब आपने सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करनी है तो सिंपलेस्ट रेशियो आपने लीस्ट नंबर से डिवाइड करना होता है, तो दिस वन इज अ लीस्ट नंबर, तो इसके साथ आप सब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू, तो दैट मीन्स NO is 1:2 for oxide 1. Empirical formula निकल गया। Same आपने यही procedure करना है oxide 2 के लिए और उसका भी empirical formula NO2 आ जाएगा। It's clear? Yes. ठीक है। Next आपने, मुझे उम्मीद है ये most few students ने कर लिया होगा क्योंकि simple empirical formula। अब oxide 1 के लिए molecular mass दे दिया है और oxide 2 के लिए भी दे दिया। अब कह रहे हैं molecular formula बताएं। मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सिखाया था कि आपको n पता होना चाहिए, तो n निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास और नीचे लिखते हैं एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्साइड 1 के लिए करूं तो मॉलिक्यूलर मास है 46, इसका एम्पिरिकल मास भी 46 होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है ऑक्साइड 1 के लिए NO2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इफ आई विल मल्टीप्लाई इट विद द 1 इट विल बी NO2। अब ऑक्साइड 2 की बात कर लेते हैं, उसका भी n निकाल लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 92, ये मॉलिक्यूलर मास ऑक्साइड 2 का गिवन है, नीचे आ जाएगा 46, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2, तो दैट मींस ऑक्साइड 2 के लिए NO2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी N2O4। तो ये जो है मॉलिक्यूलर मास है ऑक्साइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ऑक्साइड 2 का। ठीक है, इट्स क्लियर, इट्स वेरी सिंपल, आपके 6 मार्क्स कंफर्म इफ यू know how to solve this. मेरा correct answer आया। जी आपका correct था। Miss मेरा भी। जी next आइए fertilizer पर। अब तीन fertilizers दिए हुए हैं, उसमें आपसे कह रहे हैं calculate the percentage by mass in nitrogen in ammonium sulfate. Ammonium sulfate में आप calculate कीजिए nitrogen की परसेंटेज। तो सिंपल, नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए ऊपर और नीचे इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। ठीक है, इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आएगा दैट विल बी आई गेस 130 और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो योर आंसर विल बी 21.5%। तो यहाँ आप इसका परसेंटेज का आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट आइए, ये नेक्स्ट मैं आपको बी पार्ट बताती हूँ, उससे पहले आप ये सी पार्ट देख लीजिए। सी पार्ट हमने क्लास में किया था, फैक्ट्री यूजेज 1750 टन्स ऑफ प्रोपीनाइट्राइल टू प्रोड्यूस पॉलीप्रोपीनाइट्राइल, द परसेंटेज यील्ड इज 95, कैलकुलेट द मास। मास कैलकुलेट करना था, परसेंटेज गिवन थी, ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, अगर आप लोग अपनी कॉपीज खोल के देखेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा 95% गिवन है। एक्चुअल वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, थ्योरेटिकल वैल्यू आपको गिवन है मल्टीप्लाई बाय 100, तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो गिवन है दैट इज 1750, तो 95 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 से, रीअरेंज कर रहे हैं ना, और 100 आ जाएगा डिवीजन में, तो आपका एक्चुअल मास, जो आपका एक्चुअल मास है वो कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1662। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 1662.5 टन आ जाएगा। ठीक है, यस मिस, 1662.5। ये आपके सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं, अब इस पर आ जाइए। एमन वेरी गुड, एमन भी अब पढ़ने लग गई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक्सीलेंट बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन इन सी वाटर। ठीक है, सल्फेट आयन, अब सल्फेट आयन कौन सा है, ये वाला है सल्फेट आयन। ठीक है, ये तो बेरियम आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये दोनों मिलकर बेरियम सल्फेट बना रहे हैं, ये दोनों आयन्स हैं। ठीक है, दिस वन SO4-2- इज द सल्फेट आयन, तो इसके आपको ग्राम्स दिए हैं, दैट इज 1.24 ग्राम। एक्विस एक्विस बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू अ 50 cm³ ऑफ अ सैंपल ऑफ सी वाटर। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड इन दिस रिएक्शन। आपको बेसिकली इसका मास कैलकुलेट करना है। अब आप जानते हैं इक्वेशन है, मोल का रिलेशन लग सकता है, लेकिन मोल का रिलेशन आप तब लगाएंगे जब आपको इसके मोल्स पता हो। अब इसके ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब है आपको इसकी कंसंट्रेशन पता है, रिमेंबर कंसंट्रेशन के दो यूनिट होते हैं,
मोल पर डीएमक्यू एंड ग्राम पर डीएमक्यू. तो ये आपको ग्राम पर डीएमक्यू में कंसेंट्रेशन गिवन है. ठीक है, तो इस कंसेंट्रेशन की मदद से हम पहले ग्राम्स निकालेंगे और उसके बाद फिर हम जो है, अभी ये कंसेंट्रेशन का यूनिट है, ग्राम्स नहीं है प्रॉपर. तो आप पहले ग्राम्स निकालेंगे, फिर मोल्स कैलकुलेट करेंगे सल्फेट आयन के, इस सल्फेट आयन के. फिर हम मोल का रिलेशन लगाएंगे. मोल का रिलेशन लगाने से हम इजीली इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और मोल से हम मास कैलकुलेट कर लेंगे. सो लेट्स डू इट, इट्स वेरी इजी. जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये जो सल्फेट आयन है और ये जो बेरियम सल्फेट है इसका मॉलिक्यूलर मास पता हो, क्योंकि आगे आपका कैलकुलेशन में यूज होगा. तो इसका एमआर, सल्फेट आयन का एमआर होगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 96, और बेरियम सल्फेट का एमआर होगा यानी कि मॉलिक्यूलर मास होगा 233. ये आपको दोनों पता होने चाहिए. सबसे पहले आते हैं मास ऑफ सल्फेट आयन, That is in 50 सेंटीमीटर क्यूब. इसमें ये सैंपल है आपका, इसमें कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब में. तो मास कैलकुलेट करना है तो आपको कंसेंट्रेशन गिवन है. कंसेंट्रेशन इज 1.24 ग्राम पर डीएम क्यूब. इसे आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है. वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर क्यूब में. तो इसे डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम हमारा कंसंट्रेशन के यूनिट में भी आप देख सकते हैं डेसीमीटर क्यूब में है. तो आपका ये वाला वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए. तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 कर लीजिए. तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख दें या आप इसको डिवाइड करके लिख दीजिए. 50 डिवाइडेड बाय 1000 इट विल बी चेंज इनटू डेसीमीटर क्यूब. ये आपका वॉल्यूम डीएम क्यूब में चेंज हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी 0.062 ग्राम्स. अब आपके पास सल्फेट आयन की ग्राम्स आ गई है तो मोल्स कर ले कैलकुलेट. मोल्स SO4 -2 के, तो ग्राम्स 0.062 ग्राम को डिवाइड कर दें अगर हम इसके एमआर से. एमआर कितना है 96, तो 96 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके मोल्स आ जाएंगे 0.00064583 मोल्स. ठीक है, ये सब आपने नोट भी करना है. होपफुली आपने ये टेस्ट भी प्रिंट करवा लिया होगा. जो भी आपके साथ मैं वर्कशीट शेयर करती हूँ उसे प्रिंट करवा लिया करें. ये मोल्स आ गए. अब ये मोल्स किसके हैं, सल्फेट आयन के. तो आप मोल रेशियो लगा ले इक्वेशन में. अगर आप मोल रेशियो देखें दैट इज 1:1. मोल रेशियो तो 1:1 का है, यानी कि सल्फेट आयन और बेरियम, बेरियम सल्फेट के बीच में, बेरियम सल्फेट के बीच में 1:1 का रेशियो है. यानी कि जितने मोल्स 0.00064583 जितने सल्फेट के हैं उतने ही बेरियम सल्फेट के हैं. तो 0.00064583 मोल्स. तो बेरियम सल्फेट के भी सेम मोल्स आ गए. ग्राम्स कैलकुलेट कर ले. सिंपल, समझ आ रहा है सबको. तो मोल्स आ गए 0.00064583 मल्टीप्लाई बाय, अब ये बेरियम सल्फेट का मास है, मास ऑफ बेरियम सल्फेट. क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बेरियम सल्फेट का पूछा था, हमने सल्फेट और बेरियम सल्फेट के बीच में रिलेशन लगाया. इसका एमआर है 233. ये इसका BaSO4 का 233 होता है. अब बेरियम का पीरियोडिक टेबल में देखें, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए तो आपका आंसर आएगा 233. तो अब आप ग्राम्स जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और ग्राम्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके ग्राम्स का आंसर आएगा 0.1504 ग्राम्स.